साथियों, अब तक आप 335 रिकॉर्ड देख चुके हैं और अब बात करते हैं रिकॉर्ड नंबर 336 की। मोदी सरकार के समय पहली बार चीन की प्रसारवादी नीतियों को तगड़ा झटका लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना के पैरों पर पड़ी उन बेड़ियों को खत्म कर दिया जो उन्हें रोकने का काम करती थी, और इसकी वजह से मोदी सरकार के इस फैसले के बाद पहली बार चीन के साथ लगी सीमा यानी LAC पर सेना के अधिकारियों को हथियारों के इस्तेमाल करने पर छूट दे दी गई। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी अधिकारियों के साथ खूनी भिड़ंत के बाद ये फैसला लिया गया। 21 जून 2020 को मोदी सरकार ने चीन के साथ हुए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट समझौते में एक तरफा बदलाव कर दिया। दरअसल 1996 और 2005 में भारत और चीन के बीच दो समझौते हुए थे। इसके तहत दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ गोलीबारी नहीं कर सकते थे। साथ ही दोनों तरफ के सैनिक 2 किलोमीटर के दायरे में हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन 15 जून 2020 को चीनी सैनिकों ने धोखाधड़ी की। इस घटना में 20 भारतीय शहीद हो गए। हालांकि भारतीय जवानों की प्रतिक्रिया में 45 चीनी सैनिक भी ढेर हो गए। इस घटना के बाद भारत सरकार ने फैसला किया कि अब असाधारण परिस्थितियों में हालात को देखते हुए फील्ड कमांडर अपने सैनिकों को हथियार का इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है।